बेमथुरा में कर्ज के चलते किसान द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों की माने तो बैंक अधिकारी लगातार कर्ज को लेकर नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं, जिसके बाद किसान ने मौत को गले लगा दिया। वहीं किसान की मौत के बाद भी अधिकारी और साथ ही साथ परिवार को नोटिस भेजकर मृतक किसान के परिजनों को परेशान कर रहे हैं, जिसको लेकर मामले में अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई भी मदद नहीं मिली है। खेत है, खेती में कर्जे कर्जे कुछ नुकसान के कारण कर्जे नहीं पटा पाए सर, और उसके जो कर्ज में वो आत्महत्या कर दिए। फिर अभी नोटिस आए हैं बैंक से, फिर पटाओ करके बोल रहे हैं, फिर क्या करेगा वही लोग सामने साहब लोग बताएंगे। अच्छा, उस समय जब दादा खत्म हुए थे तो पुलिस वाले लोग प्रताड़ना ताना का भी कुछ लिखा था, उसका कुछ जांच हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ सर, उसने बाबू जी को एक दो बार उसको दिए हैं नोटिस आए उसके नाम से, कुछ नहीं। पति ले रही सारा खेती किसानी पर, अब वो नहीं सोच के तो अपन आत्महत्या कर ली, वही मैं सोचा था का वो चाहा था तो मैं मर सका था भाई, तो सो जाए छूट। तो अभी कर्जा माफी हो बोलते, मैं कर्जा माफी नहीं हुआ आप मन करके नहीं हो, एक नोटिस दे हवा हो ही के कहरी सब पटा नहीं पाया ना, पटाए नहीं सका। देखिए, जो किसान के परिजन आए थे उनको बैंक के तरफ से एक वकील के द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कि ऋण बकाया होना और उसे पटाने के लिए कहा गया है, और इसकी जानकारी मैं संबंधित बैंक से मंगा रहा हूँ कि किस आधार पर ये किस तरह से नोटिस जारी।